उसने एक कागज का टुकड़ा पकड़ा हुआ था जो किसी किताब से फाड़ा गया था। हैरी उस कागज को ले लेता है। उसे पढ़कर उसे सारी बात पता चलती है। दरअसल हरमायनी ने उस दैत्य का पता लगा लिया था और उसी की रिसर्च करते हुए एक किताब से यह पेज फाड़ा था। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में रहने वाला मॉन्स्टर एक बैसिलिस्क दैत्य कारसोम था। अगर कोई उसकी आंखों में देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सभी स्टूडेंट्स ने उस चीख को या तो फर्श पर गिरे पानी में या शीशे में देखा था, जिससे उनकी मृत्यु तो नहीं हुई थी लेकिन बेहोश हो गए थे। लेकिन सालों पहले शायद मॉर्निंग वर्टन ने उसकी आंखों में देखा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही वह सॉम सीवेज की बड़ी बड़ी पाइप्स में घूम रहा था और कभी कभी उसी की आवाज हैरी को सुनाई देती थी, क्योंकि सिर्फ वही सांपों की आवाज सुन और बोल सकता था। तभी अचानक मैगोनिगल आकर हैरी और रॉन को बताती है कि कोई गिली को चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में ले गया है और किसी को भी वहां जाने का रास्ता नहीं पता। हैरी लड़कियों के वॉशरूम से होकर रॉन और लॉकहार्ट के साथ चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की तरफ जाता है। लेकिन लॉकहार्ट सिर्फ एक फ्रॉड था। उसकी गलतियों के कारण एक गुफा गिर जाती है और हैरी उनसे अलग हो जाता है। वह अकेला ही चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि गिनी का बेहोश शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था और टॉम रिडल उसके पास खड़ा था। वह बताता है कि उसी ने गिनी को डायरी के जरिए अपने वश में कर लिया था और उसी ने हैरी को हैग्रिड के बारे में गलत जानकारी दी थी। वह ये भी बताता है कि वही युवा वोल्डेमॉर्ट है और स्लिदरन का असली वारिस भी वही है। इसके बाद टॉम रिडल सॉम्प को बुला लेता है जो हमला करने के लिए हैरी के पीछे भागता है। हैरी उसकी आंखों में नहीं देख सकता था, इसलिए वह कुछ देर टनल्स में इधर उधर भागता है। तभी हैरी को डंबलडोर का नियम याद आता है, जो हेल्प मांगेगा उसे हेल्प मिलेगी। हैरी मदद मांगता है। तभी डंबलडोर का फीनिक्स पक्षी सॉर्टिंग हैट लेकर वहां आता है। फीनिक्स अपनी चोंच से सॉम्प की दोनों आंखें फोड़ देता है। अब हैरी आसानी से उसका मुकाबला कर सकता है। वह सॉर्टिंग हैट से तलवार निकालता है और कुछ देर की लड़ाई के बाद सॉम्प को मार देता है, लेकिन सॉम्प का एक दांत उसे लग जाता है। तभी फीनिक्स अपने आंसू उसके जख्मों पर गिराता है, जिससे वह ठीक हो जाता है। इसके बाद हैरी बैसिलिस्क के दांत को डायरी में घोंप देता है, जिससे टॉम रिडल नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही गिली को होश आ जाता है। अब तक जितने भी स्टूडेंट्स बेहोश हुए थे उन सबको होश आ जाता है। इसके बाद हैरी डंबलडोर के पास जाता है, जो फिर से हेडमास्टर बनकर लौट आए थे, और उन्हें हर घटना की जानकारी देता है। लूसियस मैलफॉय हेडमास्टर को हटाने का ऑर्डर लेकर वहां आता है, लेकिन जब उसे सारी बातें पता चलती है तो कुछ नहीं कर पाता। तभी हैरी चालाकी से लूसियस के हाथों डॉबी को एक जुराफ पकड़वा देता है, जिससे वह लूसियस की गुलामी से आजाद हो जाता है। लूसियस गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। हॉगवॉट्स में अब सब कुछ पहले की तरह सुरक्षित हो चुका था। इसके साथ ही स्टूडेंट्स गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाते हैं।